मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका दोस्त अदगड़ी प्रताप बेस्ट। सो अभी हम हैं अपने गिर रिसोर्ट में, लायंस डेन रिसोर्ट में। कल हमने कवर किया था गिर फॉरेस्ट का जंगल सफारी। अगर आपने उसकी डिटेल्स वीडियो देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके गिर जंगल सफारी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। आज हमारा प्लान है दीव जाने का। हम यहाँ से निकल रहे हैं दीव, करीबन 2 घंटे की यहाँ से जर्नी है। अभी दीव में जाके हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी वहाँ की मोस्ट इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे कैसे जाए, कितना चार्जेस हैं, कैसे कैसे घूमा जाए, मींस ऑल द डिटेल्स आपको देंगे इस वीडियो में। अभी चलते हैं दीव के लिए और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। ये देखिए हमारा दीव लुक, ये देखिए। से हाय देवांश। हेलो। सो दीव के जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें से सबसे पहले आता है दीव फोर्ट, उसके बाद आता है नायडा केव्स, लेकिन आई थिंक वो बंद है तो वो नहीं कवर कर पाएंगे। उसके बाद है गंगेश्वर महादेव टेम्पल और एक है आईएनएस खुकरी मेमोरियल। उसके बाद हम कवर करेंगे मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलर बीचेज हैं, जैसे जालंधर बीच, नागोवा बीच और भोगला बीच। लेट्स सी हम कौन कौन सी प्लेसेस कवर कर पाते हैं, बिकॉज आज का फुल डे है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं दीव। पहले बात करते हैं दीव पहुंचा कैसे जाए। अगर आप अहमदाबाद से बाय रोड दीव जाना चाहते हैं तो आपको 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अहमदाबाद अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है विरावल रेलवे स्टेशन, जो दीव से करीबन 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आपको टैक्सी पकड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। और अगर आप बाय फ्लाइट दीव जाना चाहते हैं तो दीव का अपना एक एयरपोर्ट है जो है दीव एयरपोर्ट। दीव जाने के रास्ते में आपको गुजरना पड़ेगा अगेन गिर फॉरेस्ट से। आपको ये परमिट लेना पड़ेगा ऑन द वे। ये हमने परमिट ले लिया है। अभी देखते हैं जंगल के रास्ते से कुछ, लेट्स सी कुछ देखने को मिलता है। देख तो लिया, हिरन देखे हमने इतने सारे, ऑलरेडी देख चुके हैं, बट लेट्स सी और देखते हैं। शेर दिख जाए क्या पता। हाँ, शेर देखना चाहिए। चलिए। रियली बाय रोड जाने का अलग ही मजा है, और ऊपर से अगर रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा हो और वेल मेंटेन्ड हो तो और ही मजा आता है। और ऊपर से हमें यहाँ पे हर थोड़ी दूर में जंगली जानवर देखने को मिल रहे हैं, तो जर्नी में 4 चांद लग जा रहे हैं। हम फाइनली एंटर कर चुके हैं इंडिया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी में दीव। दिखने में तो दीव काफ़ी अच्छी लग रही है सिटी। लेट्स सी आगे भी अच्छी हमारी जर्नी रहे। अभी निकलते हैं दीव फोर्ट के लिए और आपको दिखाते हैं दीव फोर्ट के नज़ारे। फाइनली हम पहुंच गए हैं दीव फोर्ट में। हमने अपनी पार्किंग कर दी है यहाँ पे, जो 50 रुपीज़ चार्जेस है, बट फोर्ट में एंट्री फ्री है, वहाँ बिना किसी कॉस्ट के जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर दीव फोर्ट में, दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। हमारी मैडम साहिबा ये।
ये जो दीव फोर्ट है इसका निर्माण 16वीं सदी में पोर्चुगीज द्वारा किया गया था। सो बहुत ही अच्छा फोर्ट है, मतलब लग रहा है कि पुराने टाइम का एक फोर्ट है, बट मस्ट विजिट है यहाँ पे, अच्छा है। दीव फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट है, आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। सो अकॉर्डिंगली आप जब भी आएँ तो प्लान इसी के अकॉर्डिंग करें। एक्चुअली क्या है, धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा थक गए हैं, तो कोशिश करें जब भी आएँ तो इवनिंग में आएँ ताकि और अच्छा माहौल रहे यहाँ का। हमारे पास टाइमिंग का इशू था इसलिए हम लोग मॉर्निंग में निकले, बिकॉज हमें इवनिंग में बीच कवर करना है तो इसीलिए हमने दिन का टाइम प्रीफर किया। यहाँ पे हमारा रिजॉर्ट भी थोड़ा दूर है यहाँ से। कोई नहीं, आप लोग आए तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। सो ये लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, इतनी धूप है कि हम चल ही नहीं पाए। ये देखिए ये अपना चश्मा साफ कर रही हैं, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं, बीच बीच में सो जा रहे हैं। सो हम अभी 1 घंटे में पूरा ड्यू फोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 बीच जिनका नाम है जलंधर बीच, नागवा बीच और घोगला बीच। चलो फिर अब ये ड्यू फोर्ट कंप्लीट करके चलते हैं उन 3 के 3 बीचेस। सो ड्यू फोर्ट में जब आप घूमेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी तोपें देखने को मिलेंगी जो पोर्चुगीज अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए यूज करते थे। ये फोर्ट बहुत ही प्लान तरीके से बनाया गया है, आप देखेंगे इसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई है ताकि कोई भी दुश्मन फोर्ट में इजीली एंटर ना कर पाए। सो आप दीव फोर्ट में घूमने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं जिसका चार्ज है 50 रुपीस, जो आपका इन और आउट दोनों घुमा के कंसिडर किया गया है 50 रुपीस पर पर्सन। तो हमने दीव फोर्ट अच्छे से घूम लिया है, अब हम करेंगे यहाँ पे लंच और उसके बाद हम निकलेंगे INS कुकरी वॉर मेमोरियल के लिए, तो चलिए चलते हैं आगे। सो अभी हम पहुँच गए हैं INS कुकरी वॉर मेमोरियल में। ये INS कुकरी वॉर मेमोरियल बेसिकली एक शिप है जो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो ये पाकिस्तान ने इस शिप को डुबा दिया था, तो ये उसी की याद में बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आपको INS कुकरी वॉर मेमोरियल। में जो वॉर पाकिस्तान के साथ हुई थी तो उसमें ये शिप डूब गया था। उस शिप में उस समय अराउंड 194 हमारे नेवी सैनिक मौजूद थे जो शहीद हो गए थे, उन सभी के नाम इस वॉर मेमोरियल में मेंशन किए गए हैं। कुकरी वॉर मेमोरियल से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है लेकिन स्टिल मज़ा आ रहा है। आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू।
सो वॉर मेमोरियल में ही छोटा सा एक मंदिर है, अभी आपको दिखाते हैं अंदर मंदिर का व्यू। सो INS खुकरी वॉर मेमोरियल हमने घूम लिया अच्छे से, अब हम निकल रहे हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल के लिए। तो चलिए कराते हैं आपको महादेव के दर्शन। सो हम पहुंच चुके हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल, तो चलिए अंदर कराते हैं आपको उनके दर्शन। अंदर अलाउड होगा? अंदर अलाउड होगा? होगा कि नहीं होगा? हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नागेश्वर महादेव टेम्पल की ऐसी मान्यता है, जब पांडव अपने वनवास काल में थे तो उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पे पूजा की थी, तो तब से ये पॉपुलर हो चुका है मंदिर। सो यह मंदिर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे घोगला बीच। सो अभी हम आ चुके हैं घोगला बीच में। नागोवा बीच काफ़ी क्राउडेड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बट हमें पसंद है जो एकांत वाला बीच होता है, सो इसलिए हम यहाँ पे घोगला बीच पे आए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा बीच है, काफ़ी साफ सुथरा है। सो अभी हम प्लान कर रहे हैं सी में जाने के लिए, तो मिलते हैं आपको अंदर सी में। सो बीच में फन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी राइड्स का ऑप्शंस हैं, आप जेट स्की कर सकते हैं, बनाना राइड कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं या स्पीड बोट कर सकते हैं, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं।
समुद्र में फुल ऑन मस्ती करके आ गए हैं हम वापस। अब निकलते हैं अब वापस अपने रिसोर्ट को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू डेस्टिनेशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।